खुदावन तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकदस तुझे मुबारक कहेंगे बसे के अजीम पुरफ़ज़ल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा की सलामती हो आज खुदा की जिंदा आवाज को हम सुनेंगे इज्जत माप जनाब मिशनरी डेविड खुशी गिल साहब से आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं नवीद नूर इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेइजेशन के जो कि मौजूद है कराची में अभी वक्त है कि खुदा उनकी जिंदा आवाज़ को हम उनके बंदा के वसीला से सुने ख़ुदान यसूल मसीह के पाक मुकदस और मेहरबान नाम से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस इस खूबसूरत वक्त के लिए कि आज नेशनल न्यूज़ की जानब से मुझे ये खूबसूरत मौका दिया गया और मैं इस नेटवर्क के लिए ख़ुदान यसुलमसीह का शुक्रगुजार हूँ सारी टीम के लिए अजीज आज का खूबसूरत मैसेज इससे पहले कि हम खुदाम के कलाम में से सुने मैं चाहूँगा एक छोटी सी दुआ करते हैं खुदा यसीम, हम दिल और दिल की अथाह ग्राहियों से शुक्रगुजार हैं आपके फजल के लिए आपके जलाल के लिए इस खूबसूरत वक्त और घड़ी के लिए और बिलखसूस इस जबरदस्त टीम के लिए इस कम्यूनिकेशन के खूबसूरत सेटअप के लिए और जिस सोच ने यह सारा लगाया है कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे मैं उस सोच के लिए भी शुक्र अदा करता हूँ और इसकी सारी माली मुआवनत के लिए आपके जरूर दुआ करता हूँ कि आपका कवि हाथ उन तमाम कंट्रीब्यूटर्स के साथ हो जो इस मुकदस काम को खुदा की खदमत समझ के करते हैं और अपने अपने हिस्से को अदा करते हैं ताकि इसी तरह खुदा उनका कलाम लोगों तक पहुँचता रहे सारी टीम को ब्लेस करना खुदा बाप बेटे और रलकुद के नाम से आमीन मैं खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मेरा नाम मिशनरी डेविड खुश गिल मेरा ताल्लुक कराची शहर से है और मिनिस्ट्री नवीद नूर इंटरनेशनल का जो मकसद है वो यही है कि हम लोगों के दरमियान अपनी महबी सियासी और समाजी क्यादत के, के दरमियान मफाहमत को पैदा करें हम वॉल्स ऑफ डिनेशन से बाहर निकल कर एक ताकदस जिसके साथ हम मुंसलिक हैं वो है खुदाम यसु यसुलमसी जिंदा खुदा का कदूस जिसके बारे में पेशन गोई आसमान से है और जिसकी तस्दीक कोई इंसानी तखम से पैदा शख्स नहीं बल्कि खुदा की जो मखलूकी खलकत है फरिश्ते गान आकर उसकी पेशन गोई करते हैं हम शुक्रगुजार हैं कि उसका कलाम हमारी जिंदगीों के लिए राह और जिंदगी है मैं चाहूंगा कि हम खुदा यसु मसी की अंजील बुजुर्ग यौना रसूल की मार्फत उसका दस पाप उसकी एक तस्ोला तक पढ़ेंगे कला में अकदस में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजा से भीड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है इसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बना बुला कर बाहर ले जाता है जब जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती यसु ने यह तमशील कही लेकिन वो ना समझे कि ये बातें क्या है जो वो हमसे कहता है बस यसु ने उनसे कहा फिर कहता हूं कि तुमसे सच कहता हूं भेड़ों का दरवाजा मैं हूं जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी और दरवाजा मैं हूं अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाए करेगा और चारा पाएगा चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए अच्छा चरवाहा मैं हूं अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको फाड़ता और परगंदा करता है वो उससे भाग जाता है क्योंकि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं अच्छा चरवाहा मैं हूं जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों को अपने क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस गला की नहीं मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा आमीन हम जिस तरह देखते हैं कि ये पूरा पैसेज अगर हम करेक्टर वाइज पढ़ें तो छह छे छेक्टर्स के दरमियान घूमता है पहला चरवाहा दूसरा भेड़ तीसरा करेक्टर है चोर और डाकू का चौथा भीड़खाना से तशबी दी गई है पांचवा दरबान दरवाजे का और छठा मजदूर अजीजो कलामस को सीखने और समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम जब किसी किताब को या किसी पैसेज को पढ़ें तो उसको एक स्टोरी की सूरत में लाएं उसको एक करेक्टर्स की सूरत में लाएं यहां मैं देखता हूं कि खूबसूरत जो करेक्टर है वो चरवाहे का है आज आप जिस भी कलीसिया का हिस्सा हैं अगर वहां का चरवाहा खुदा यस्सु जैसी शख्सियत पर्सनैलिटी का हामिल है और वह पर्सनैलिटी आपने देखी जब हम देखते हैं तो लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं आज अगर कोई चरवाहा जान देने तक वफादार है भेड़ों के लिए तो मैं समझता हूं कि आप बहुत लकी हैं आपको एक बहुत अच्छा चरवाहा मिला है जिसकी शक्ल शबी सूरत उसकी शख्सियत यीशु मसीह से इंस्पायर है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको और मुझे मोहताद होना है कलाम में में लिखा है कि कबूतर की मानंद भोले और सांप के बच्चों की माने क्या बनना है चलाक बनना है होशियार बनना है हमारी होशियारी कब काम आएगी जब आप अपनी अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करोगे जब आप ठंडे और गर्म में फर्क महसूस कर सकते हो एक गिलास में बॉयल वाटर हो और एक गिलास के अंदर फ्रीज वाटर हो और आपको कहा जाए कि दोनों में अपना हाथ डालें और पहले आपके आगे बॉयल वाटर रखा जाए असीज आप कभी भी अपनी दोनों उंगलियां उसमें नहीं डालेंगे बल्कि एक उंगली भी नहीं डालेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि वो नजर आ रहा है वो बॉयल वाटर है आपको इतना एहसास है लेकिन कलीसिया में जाते हुए आपकी आंखें कहां रह जाती हैं कि आपको खुदा के जुम्मेदार चरवाहे नजर नहीं आते और जो दूसरी तशबी है वो बड़ी खतरनाक गर्म पानी की है वो लिखा है चोर और डाकू जो भेड़ों को और तरह से दरवाजों में आते हैं ना तो उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना उनको किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है ना उनको किसी उस्ताद की जरूरत पड़ती है बल्कि मैं कहता हूं खुद साख्ता खुद नुमाई की अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटियों से निकल के आए हुए खुद साख्ता प्रोफेसर ये चोर डाकू होते हैं जिन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती और वो कहते हैं नहीं जी ट्रेनिंग क्या करनी है हालांकि खादमी चार चार साल पांच पांच साल आठ आठ साल ट्रेनिंग करते हैं कम से कम जो पीरियड है ट्रेनिंग का वो अब तीन साल है लेकिन ये खुद साख्ता जो चोर और डाकू हैं इनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती शॉर्टकट लेकर ही आते हैं कलाम मुकद्दस कह रहा है मैं नहीं कह रहा बाद में कहती है कि ये चोर और डाकू हैं। दूसरा दरबान आप देखें कि क्या वाकई ही भेड़ों की फिक्र करने वाला इतना जबरदस्त है कि उसको पता है कि ये मेरे भेड़खाना मेरे की भेड़ें हैं और मैं अच्छा भेड़िया हूं अच्छा दरबान हूं जो कि उसको देख सकता हूं मैं अपने भीड़खाना की भेड़ों को जानता हूं तीसरा चौथा जो करैक्टर है वो है मजदूर का कलाम में मुकदस में लिखा है कि मजदूर जब भेड़िए को देखता है तो वो छोड़ के भेड़ों को भाग जाता है क्योंकि ना तो वो भेड़ों का मालिक है और ना उसको उनकी परवाह है आज आप देखें मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम आपने पैदा किए आपने पब्लिक ने हमने लेकिन आज वो कहां है वो छोड़ छाड़ के सब कुछ कोई यूरोप में बैठा हुआ है कोई यूएसए में बैठा हुआ है और वहां बैठकर आज हमें बड़ी तालीम दे रहे हैं और पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़ी फिक्र है हम पाकिस्तान के मसीहों के लिए बड़ा दर्द रखते हैं तो भाई दर्द रखते हो तो ये दर्द यहां आके रखो ताकि ग्राउंड रियलिटी में आपको पता चले अजीजो ये सिर्फ मजदूर है इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई और उसके बाद फारिक ये मैं नहीं कह रहा कलाम मुकदस कह रहा आपको और मुझे आज एनालाइज करना पड़ेगा जिन खादमों के दरमियान आप अपनी बच्चों को लेके जाते हैं अपनी फैमिली को लेके जाते हैं उनका चुनाव करना शुरू कर दें उन कलीसियाओं में उन खादमों का चुनाव करें और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है आप अगर बाप हैं मां हैं आपकी जिम्मेदारी है आप अगर बड़े भाई हैं बाजी हैं अंकल हैं दादा हैं नाना हैं यह आपकी जिम्मेदारी है कहाँ आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं कहाँ खुदाम के हजूर खुदाम के कलाम की तालीम की तरबियत के लिए जा रहे हैं सेंसबल बने अपनी कौम को एक शनाख्त और पहचान दें मसीह कौम एक बाबरकत कौम है यह खुदा का एक खूबसूरत मनसूबा है कि कलाम मुकदस में लिखा है कि खुदा को पसंद आया आपका चुनाव करना खुदा ने आपको चुना है खुदा ने आपको बुलाया है अब आप बताएं क्या मैं और आप अपने चुनाव के खूबसूरत अंदाज में उस रिश्ते से वाकिफ हैं मैं आपको सिर्फ दो रिश्ते इसमें गिनवाना चाहता हूं चरवाहे का और भेड़ का बड़ा खूबसूरत मिलाप है कितना खूबसूरत इस अगर बुजुर्ग योहना की किताब को आप देखें जो अंजीर खुदाम की मार्फत है दसवें बाप में तो वहां लिखा है कि भेड़ और चरवाहे का रिश्ता बहुत खूबसूरत है इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तीन चीजें मुझे मुझे बड़ी वाजे नजर आती हैं पहली मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं ये क्या है जो आप सुनते हैं आज लोग हर किसी को मैं देखता हूं तो अक्सर कहते हैं भाई जी मुझे खुदा की आवाज आई मुझे खुदा ने रोया दी और खुदा ने मुझे कहा कि जी तू मेरी खिदमत के लिए तैयार हो जा चले अच्छी बात है लेकिन उसी भाई को जब मैं देखता हूं तो उसका एक असिस्टेंट ठीक दो साल बाद मुझे मिलता है कराची का यह वाक्य है और मुझे कहता है भाई डेविड आप कैसे हैं मैंने कहा मैं ठीक हूं मैंने कहा भाई कहता है भाई मुझे खुदा ने रोया दी है अब वो जिसने दो साल पहले मुझसे कहा था अब ये उसका असिस्टेंट है मुझे कह रहा है ठीक दो साल बाद कह रहा मुझे खुदा ने रोया दिया खुदा ने मुझे खिदमत दी है और खुदा ने मुझे ये इलाका दे दिया भाई मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं तो मैंने कहा जिनके साथ आप खिदमत कर रहे थे वो कह रहे नहीं वो जब तक बस करना था अब खुदा ने मुझे अपना खेत दे दिया वेरी गुड मेरा ख्याल ऐसे लोगों को तो पंजाब में पटवारी लग जाना चाहिए क्योंकि लोग रो रो के मर जाते हैं जमीनों के लिए और यहां जमीनों के मसले नहीं होते लेकिन यहां तो दो दो साल बाद लोगों को फील्ड मिल रही है इट्स अ स्पिरिट ऑफ जेलसी हसत की रूह है नफरत की रूह है मुकाबले की रूह है खुद की रूह है बचें उससे क्या सुन रहे हैं आप लोग यहां सुनते हैं कि जी मुझे वो प्रपोजल मिला है मुझे ये प्रपोजल मिला है खुदा यस मसीह आपको क्या क्या आवाज़ दे रहे हैं कभी उसको सुनने की कोशिश की हम तो हर वक्त अचीवमेंट्स के लिए रहते हैं हम तो हर वक्त खुद के लिए रहते हैं हम तो ऐसी चदर में रहना पसंद करते हैं जिसमें शोहरत हो जिसमें बहुत सा ग्लैमर हो एडवर्टाइजमेंट हो मैंने यहां लोगों को एक दिन के प्रोग्राम के अंदर डेढ़ सौ लोग क्योंकि मेरा कराची में प्रिंटिंग का बिजनेस है तो मैंने वहां देखा कि डेढ़ सौ नाम लिखे होते तावन के अंदर और अगर किसी का रह जाए तो वो पादी साहब को वहां फोन करके कह रहा होता है पाजी साहब आपने तो हमारा नाम ही नहीं लिखा क्या हम आपके मेंबर नहीं है लोगों को खुद नुमाई चाहिए खुद हम यसु का नाम नहीं चाहिए अजीजों देखें हम क्या सुन रहे हैं अपने सुनने पर दूसरा रिश्ता है खुदा यसु ने कहा मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं एक को ओपन बात करता हूं आप सच बताएं अपने दिल से क्या हम खुदाम यसु को जानते हैं क्या हम खुदाम यसु मसीह को वाकई जानते हैं मैं एक स्कूल में गया और मैंने वहां बच्चों से पूछा आर यू क्रिश्चियंस उन्होंने कहा यस मैंने कहा आप क्यों मसीह हैं

ऑफ इ मसी यसु की सलीबी मौत कफारे की मौत अजली मौत जिसने हमारे लिए कुर्बान होकर अपने आप को अजली तौर पर दिए दिया तीसरा खुदाम यसु मसीह की रिजरवेक्शन मुर्दों में से जी उठना और चौथा रैपचर ऑफ जीस क्राइस्ट खुदाम की आमदेसानी ये चार वजुआत हैं अपने बच्चों को सिखाएं क्या जानते हैं आप मुसीयसु के बारे में क्या पहचानते हैं मसी यसु को और क्या सुनते हैं मुसी यसु को बताएं अपने बच्चों को मसी यसु की पेदाइश उनका सबूत है मुसी यसु की सलीबी मौत उनका सबूत है मुसी यसु का मुर्दों में से जी उठना उनका सबूत है और मुसी यसु की आमदे सानी ये वो चार सतून है दुनिया में कोई भी मजहब कोई भी नबी कोई भी पैगंबर इससे बढ़ के सबूत आपको नहीं दे सकता और अगर मैं दावे से कहता हूं किसी के पास है मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं ख़ुदा हम सबको बरकत दे मैं आज की सारी टीम के लिए सारे काम के लिए ख़ुदा का शुक्र अदा करता हूँ और एक मरता फिर इन सारी चीज़ों को ख़ुदा के मसबहा पर रखूँगा मैं ख़ुदा उनका शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ के लिए और ख़ुदा के हजूर खास तौर पर अपनी टीम के लिए बहुत ही काबिल एहतराम पास्टर राना कैसर साहब के लिए उनकी सारी खदमात के लिए मैं उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने लाहौर से मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया मैं अपने प्यारे भाई बाबर के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा उनको बरकत दे कैमराम भाई साहब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं खुदा उनके दुआ करता हूँ कि ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाईस से बरकत हो आइए हम दुआ करें खुदा क़ादर मतलब हम दुआ करते हैं कि आज मसीह कौम को शनाख्त और पहचान की ज़रूरत है हमें किसी शख्स के एजेंडे पर चलने की ज़रूरत नहीं हमें अपने अखराज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा यसुमसी ने अपने मुंह मुबारक से खुद कहा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है हवा के परिंदों को देखो ना वो बोलते हैं ना वो काटते हैं लेकिन तुम्हारा खुदा फिर भी उन्हें अफराज से देता है और तुम्हारी कदर व कीमत तो उससे कहीं ज्यादा है ए खुदान हम ईमान की हालत से कहते हैं इस सारी जगह पर जहां आज मैं मौजूद हूं आपका कवि हाथ रहे और इस पूरे लाहौर शहर पर आपका कवि हाथ रहे और जितनी जाने खुदावन पर तवक्ल करती हैं वो शेर और आशुदा हों और जिनका तवक्ल किसी बशर पर है वो जरूर अपनी उस गलती पर पशेमान होंगे क्योंकि इंसान जतलाता है खुदा कभी किसी को जतलाता नहीं वह एहसान नहीं करता बल्कि वह हमसे प्यार करता है खुदा हमें आपके प्यार की जरूरत है रहम की जरूरत है हम सब पर रहम करना इस लाहौर शहर पर यहां पर आबाद मसीह लोगों पर मजहबी लीडरों पर सियासी लीडरों पर समाजी लीडरों पर मैं आपका मसा चाहता हूँ मैं तमाम उन कलम नगारों पर उन तमाम लिखने वालों पर उन तमाम शायर हजरात पर गुलकार पर तमाम मसीह परस्तारों पर म्यूजिशियंस पर कैमरामैनस पर टेक्नीशियंस टीम पर आपकी बरकत चाहता हूं खुदा हम सब को अपने खून में छुपा के रखना खुदा बाप बेटे और रककुदश के नाम के वसीला से आमीन